अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गई एक और नए ब्लॉग के साथ। आप सोच रहे होंगे कि रेहान किधर है, मामा और सिर्फ अलीना नज़र आ रहे हैं। तो वो इसलिए नज़र आ रहे हैं, क्यों नज़र आ रहे हैं मामा बता दो सीक्रेट। बताए क्यों नज़र आ रहे हैं हम लोग, बता दो ना। अच्छा, तो आज रेहान के ऊपर करने लगे हैं हम प्रैंक। अच्छा, अभी हम लेट हो रहे हैं तो मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, वहाँ जाके आपको सारा प्लान बताऊँगी और फिर दिखाऊँगी कि वे कैसे करने लगे। तो तब तक मिलते हैं वहाँ जाके। हाँ जी, तो इंस्टीट्यूट में पहुंच चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऊपर पहले क्यों क्लास में, क्योंकि मम्मा मेरे साथ नहीं, मम्मा नीचे फीस जमा कराने के लिए बैठी हुई हैं और ऊपर स्लिप है मिस के पास, वो लेने जाऊँगी, फिर नीचे जाऊँगी, फिर ऊपर आऊँगी मम्मा के साथ, फिर आगे फिर बताती हूँ। आज आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, मैं बना रही हूँ। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने स्लिप ले ली है ऊपर से, अब मैं नीचे जा रही हूँ मम्मा के पास, मम्मा को स्लिप्स देने। चलते हैं नीचे, तो आ ही चुकी हूँ मैं। ओए, बड़ा थक गया था बंदा। और मामा बैठी है मेरी, ये ना मामा, ये भरें जो आपका काम है। यही काम है। बताती हूँ, मैंने बता ही नहीं पाई कि मैं क्या करने लगी रेहान के ऊपर। वो क्लास थी, क्लास में फिर मामा को भूख लग गई, मम्मा कहती है मैंने खाना खाने जाना, इतनी भूख लगती है मेरी मामा को इसी की तरह कोई ज़्यादा लगती है। फिर हमने जाके खाना खाया, उसमें टाइम गुजर गया, आपको बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने बीच में डाला है कि हमने क्या खाना खाया और लस्सी इतने मज़े की थी ना, इतना मज़ा आया। तो अब रेहान को मैंने बुला लिया। रेहान से ना मैं दो तीन दिन से ना चैट कर रही थी फेक आईडी से लड़की। मामा रुके, आप बताएंगे मैं बताऊँ? नहीं नहीं, आप ही बताएंगे सारा कुछ, आपने हरकतें की हैं। अच्छा, मैं बता दी, मैंने ना दो तीन दिन से ना लड़की की आईडी बनाई हुई थी और दो तीन दिन से मैं उससे बात कर रही थी फेक आईडी बना कर लड़की की, और वो ट्रैप हो गया मेरे से। और अब मैंने उसको बुलाया मिलने, तो अब वो मिलने आ रहा है लड़की से, मतलब मैं भी लड़की हूँ, मतलब किसी और से मिलने आ रहा है और आगे निकलेंगे हम। और कहते हैं, और ये भी देखा है, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, ये है मेरे बेटे के साथ गलत कर रही है आज, बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही। तो अब चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने उसके ऊपर किया है प्रैंक, कैसे वेट कर रहा है, कैसे रेडी हो गया है, वो हम देखते हैं चल के। तो हम लोग फ्राइड चिक्स पहुँच गए। मम्मा, आपके बेटे को प्रैंक करने की बारी आ गई है, तुम्हारी भी बारी आनी है जल्दी, 5 मिनट में वो यहाँ पे पहुँच रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मामा और मैं वेट कर रहे हैं मामा के बेटे का, वो आ रहा है, कह रहा है 5 मिनट में आ रहा हूँ। और मैंने उसको कहा है कि फ़र वाली जैकेट पहन के आना, जिसके कॉलर पे आपके फ़र लगी हुई है ना, और ब्लैक ब्लैक। देखते हैं बात है मामा। पता नहीं क्या होने वाला है, हंसी जा रही है बस। हम लोग इधर छुप के बैठे हैं, वो ऊपर हमें बैठने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे नीचे सीटिंग है, हमने कहा 5 मिनट हमें बैठने दे ऊपर, तो चुप कर गया। रेहान को मैंने कहा कि आते साथ ही तुम बैठ जाना, अब देखिए क्या होता है। मुझे हंसी इसलिए रही, मेरे बेटे के अरमा आंसू में बह जाएंगे। वाह, क्या सीन है। A few moments later, बेटा आ चुका है। मामा किधर गया, मैंने अभी देखा उसे, गायब हो गया। मामा आपका बेटा गायब हो गया। गायब नहीं होने वाली, वो चीज है। हार्ट बीट्स ठीक कर रहा होगा अपने। जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। हो गया, आ गया, वो देखिए वो आ रहा है। जैकेट भी वही पहनी है। वो देखिए जैकेट वही पहन के आया। वो आ चुका है अंदर, ढूंढ रहा है वो लड़कियों के पास खड़ा हो गया, उनको लग रहा है वो है। वो कह रही है नहीं मम्मा, ओह शिट, वो तो सामने बैठ के, शिट, तुम ऊपर ही आ गया। हमने कहा तुम्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। नहीं, तुम्हें किसने पता फ्राई चिक्स हूँ? हाँ, तुम लोगों को कैसे पता चला? हम तो आते ही इधर, हम आते ही इधर हैं, खाने यहीं से खाते हैं हम।
ही आते हैं। सिटिंग नीचे या नीचे आते हैं? जी जी श्योर। आ रहे हैं, आ रहे हैं। आई नहीं वो? किधर है? किधर है? चलो अगर नीचे बैठ। हाँ चलो। भी कह रहे हैं नीचे। आ जा। आजा इधर कह रहे हैं बैठ जाओ। रियान वो वेट करता हुआ, इसको अभी मेरे ख्याल से शक हो गया है लेकिन पक्का नहीं इसको पता, वो वेट कर रहा है उधर। मम्मा ये इतना बेवकूफ है, इसको पता नहीं चला। नहीं शक उसको हो रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन वो अभी भी वेट कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि शायद मुझे रिप्लाई करनी है कि नहीं। हमारे पास बैठ दो भाई, विंटर हो गया मेरा फर्स्ट व्लॉग में। चापा मार दिए ना तो आज हमने, नहीं तुमने चापा मारा है, मैंने तुम्हें बाइक लगाते देखा, मैं कहा मम्मा रिहान, मैंने तुम्हारी वीडियो बनाना शुरू कर दी, तुम यहाँ कैसे आए हो? मेरा कुछ मीटअप सीन था, मैं उसके लिए आया था। ओए होए हमें पता है मीटअप सीन, वो आई नहीं, मैसेज करके पूछ लो। लड्डू फूट रहे हैं क्या? तुम तो कहते मैंने ब्लैक पैंट कोट पहन के जाना है। उसकी डिमांड थी, उसकी डिमांड मामा, देख रही है मैं फैन की, या फैन की बात माननी पड़ती है मुझे, वो कहती है पहन के आना अपनी फर वाली, मैं कहा ओके। देख रहे हैं आप सारे मेरे भाई को, उसकी लड़की की डिमांड पे फर वाली जैकेट पहन के आए हैं जनाब। क्या है, इतनी भी नहीं होती लड़की, लड़कियां ही लड़की के बदले। क्या मैसेज तो करो उसको बाहर, क्योंकि वो अंदर कह रहे थे वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर आ गई हूँ। ये पता नहीं क्यों बाहर आ गए, क्यों बाहर आए हो तुम, क्यों बाहर आए हो? मैं एक काम के लिए आया, तुम लोग क्या हो, तुम लोग क्यों इधर आ गए? इसका वेट अब हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपको कैसा लगा मेरा प्रैंक? दिल के अरमासों में बह गए। फाइटर का खाना लेने आए और चीजें चीजें लेने आए, और यहाँ ना आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं मुझे? अल्लाह पूछेगा तुझे क्या हुआ, क्या क्या की बच्ची, मैंने घर में ब्लॉग शूट किया था, मीटअप सीन है। मैं वो ब्लॉग भी आपको दिखाऊंगी, वो भी डालूंगी बीच में, इसे क्लिप लेंगे कैसे इसे की, इसे वो एक्साइटेड तो मिलेगी। तो जी आपका भाई हो चुका है रेडी शेडी, और अब करते हैं मीटअप। जल्दी देख रहा हूँ खाना। अरे हाँ मुझे वीडियो एंड नहीं करने दे रहा, मैं आप लोगों को दिखा रही, इतना मुझे तंग कर रहा है, बार बार बातें सुना रहा है, अब ऊपर आ गया देख रहा है मसला हुआ तो है तुम्हारे साथ, पर तुम लोग आप लोगों तो नहीं ना कटवा सकता, तुझे कटना है जी बात है, 100 मसले हो जाते लड़कियों के काम में, बंदा बैकअप रख के जाता है, चंगा बैकअप तुसी घर वाला बैकअप आ गया मेरे को ना प्यारा ना ना मेरा जी जिंदगी बच्चों ऐसा प्रैंक होगा ना तुम लोगों के साथ, आपके साथ मैं आपके साथ नहीं करता, सब करूंगा। ओए कैसे बोल रहा है, इसके अरमान जो थे ना सारे ठीक
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। पांचवी छवी लड़की आ गई मेकअप करने के लिए जाना बनता और इतनी प्यारी तस्वीर है मुझे पता चल गया कमेंट में मैंने पढ़ लिया कि तुम लोगों ने इस तरह का प्रैंक बताया है तो कसम से तुम लोग के साथ भी प्रैंक हो जाएगा। मीटअप पर तुम लोग को बुला के आऊंगा ही नहीं। मुझे बहुत मजा आया प्रैंक का। आप लोगों को मजा है तो आप लोगों ने लास्ट में कमेंट करके बताना। बार बार तंग कर रहा, बार बार रो रहा, बार बार बातें कर ही जा रहा कि दिल कर रहा है कि वीडियो बनाई जाए, शेयर करी जाए, कुछ भी नहीं कर रहा। क्या था आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये किया, वो किया, अपनी ख्याल बनाना, ये वो। अभी भी मुंह देख लो इसका, क्या कर रही हूँ। अब वीडियो यहाँ पे हम लोग करते हैं एंड। आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल उसको भी दबा दीजिएगा। बाकी हम मिलती हूँ मैं नेक्स्ट प्रैंक के साथ। तब तक के लिए हाफिज़।